नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वैब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दुबगवा में एक एक्सयूवी कार ने दो बारातियों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई है। घटना शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे की बताई गई है। आक्रोशित लोगों ने दुर्घटना कारित करने वाली कार को ही आग के हवाले कर दिया है। बचाव में आई पुलिस के साथ बिछुमा झटकी हुई। तनाव की स्थिति में देखते हुए आसपास का पुलिस बल बुलाया गया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में हुई। बताया जाता है कि मुस्लिम परिवार के घर बारात आई थी, जहां वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों को तेज रफ्तार एक्सयूवी कार चालक ने टक्कर मारते हुए कुचल दिया और अनियंत्रित होकर पलट गई। कार की चपेट में आए एक पुरुष और एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद आक्रोशित मुस्लिम परिवार के लोगों ने दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन को आग के हवाले कर दिया है। बताया जाता है कि अगर समय पर पुलिस नहीं पहुंचती तो आक्रोशित परिजन एक्सयूवी सवार युवकों को भी आग के हवाले करने की तैयारी में थे। गनीमत रही कि समय पर पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद वाहन में सवार युवकों को बचा लिया। इस दौरान पुलिस से भी जमकर नोकझोंक हुई है। घंटों चले बवाल के बाद मौके पर पहुंचा भारी पुलिस बल स्थिति को नियंत्रण में किया है। वहीं पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मऊगंज स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी विजय डावर ने बताया कि मऊगंज निवासी युवक तेज रफ्तार से आ रहे थे। घर के सामने बारात की भीड़ थी, जिसे अपनी चपेट में ले लिया और अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक महिला और पुरुष की मौत हुई है। स्थिति नियंत्रण में है। मामला यह है कि एक बारात से बारात के लोग इकट्ठा थे, उसी दौरान एक एक्सयूवी वाहन बहुत तेजी से मऊगंज से चलता हुआ आया और उसने टक्कर मारी, जिसमें उस टक्कर से दो लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। हालांकि एक व्यक्ति थोड़ा जीवित लगा था, तो उसको हम लोगों ने वहाँ SGMH भिजवाया था। उसके कुछ दूर आगे जाके वो गाड़ी पलट भी गई, उसमें से कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग उसमें एक आध लोग उसमें रह गए थे। तो जो भीड़ थी, जो बारात की भीड़ थी, उन्होंने उनको घेर लिया था मारने के लिए। तो उस दौरान पुलिस को खबर लगी तो और उनके परिजनों को भी खबर लगी, जो मऊगंज के ही रहने वाले थे, वो लोग भी पहुँचे और पुलिस भी पहुँची। और रात का समय था, पुलिस बल बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पर पहुँचा और SDOP साहब, एडिशनल SP, TI सब पहुँचे। पहुँचने के बाद जो भी व्यक्ति फंसे हुए थे, जिसमें उनके वाहन में मौजूद व्यक्ति के परिजन भी थे, उन सबको वहाँ सकुशल तरीके से निकाला गया। उसके बाद उसी दौरान कुछ लोगों ने, जिससे उनके परिजन पहुँचे थे गांव वाहन में फंसे हुए व्यक्ति को लेने के लिए, उस वाहन को जला दिया था, आग लगा दी थी। तत्काल इन लोगों को रिकवर करने के बाद एक व्यक्ति को तत्काल यहाँ रवाना किया गया, SGMH रीवा रवाना किया गया। एक डेड बॉडी वो लोग सुबह कह रहे थे कि हम सुबह भेजेंगे, लेकिन पुलिस ने जो है उसको भी समझा बुझा कर उसको मऊगंज अस्पताल में भिजवाया, जो 75 साल की जैबुन निशा की का शव था। और इस तरह घटना में दो लोग मरे। इस घटना की जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि सभी बारात में बैठे हुए लोग थे और जितने लोग विवाद कर रहे थे या मौके पर उत्पात कर रहे थे, वो सभी युवा लोग थे और इस तरह की बातें कर रहे थे जैसे कि मतलब कोई और गंभीर घटना घटित कर दें। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ वाहन में फंसे हुए व्यक्ति की जान बचाई, अभी तो उस व्यक्ति के जो परिजन वहां पहुंचकर उनके बीच घिर गए थे, सबकी जान बचाई। और एक एक्सीडेंट की घटना से जो परिस्थितियाँ प्रतिकूल निर्मित हो रही थी, उन परिस्थितियों को प्रतिकूल निर्मित होने से रोका। और सही अर्थ में कहा जाए तो एक दुर्घटना जो सांप्रदायिक रंग भी ले सकती थी, उसको उन्होंने रोकने में पूर्ण सफलता पाई। और यह जो है हमारी मऊगंज एडिशनल SP, SDOP मऊगंज और थाना प्रभारी मऊगंज की कार्यकुशलता का प्रमाण था कि उन्होंने इतनी तत्परता से काम की। रात में जैसे ही सूचना मुझे मिली, मैंने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए तत्काल 12 थानों का बल भेजा, पुलिस लाइन से बल भेजा और स्थिति को सामान्य किया गया। और साथ ही साथ दोनों शवों का आज PM करके उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में अपराध कायम किया गया, जिन लोगों ने रात में उत्पात किया उनके विरुद्ध भी अपराध कायम होगा। और जिन लोगों ने दुर्घटना घटित की है, जिसमें दो लोगों की जान गई, असमय दो लोग काल कलवित हुए, उसमें भी गंभीर कार्रवाई की जाएगी। हमने बोला ना कि वो देखो पुलिस कर्मियों के चोटों को हम लोग बहुत हाईलाइट करते हैं। देखो जो मौके पे प्रतिरोध का कार्य करता है, धक्का मुक्की और पथराव में जो बन जाता है, उसी को चोट आती है। तो पुलिस को जनता से डायरेक्ट फेस करना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो है प्रतिकूल स्थितियाँ जब भी निर्मित होती हैं, हल्की फुल्की चोटें आना, धक्का मुक्की होना, ये हमारे लिए आम बात है, इससे हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वाहन में आग लगाई गई है, ये भी गलत बात है।
घटना के बाद पुलिस के ऊपर भरोसा न करके किसी के साथ मारपीट की गई है, यह भी उतना ही अक्षम्य अपराध है। इसलिए दोनों मामलों में अपराध कायम करके कार्रवाई की गई।